Hello children, in previous lecture we discussed about the topic the problem with niche cultivation and rehti cultivation. पिछले टर्म पे ये दोनों मैं cultivated का आपको point बताया था और मैंने बताया था किस तरह की problem इन दोनों में आई थी. इसके आगे मैंने बताया था जो peasant हुए farmers हुए या फिर local जमींदार हैं जो village headman हैं इन सबको कितनी परेशानी उठानी पड़ी ये पिछले टर्म पे मैंने discuss किया. और जब ये प्रॉब्लम एक हुआ और उस प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या आया तो वो रिजल्ट आपको बताया था स्टार्टिंग में ब्लू रेवलेशन के रूप में आया. इसका मैंने दो पैरा आपको पढ़ा दिया था. स्टार्टिंग पैरा 1859 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है जहां आपके पीजेंट यानी फार्मर्स रैयतों ने कह दिया कि वो इंडिगो का कल्टिवेशन नहीं करेंगे, उसकी खेती नहीं करेंगे. तो इसका क्या परिणाम आया, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी थोड़े नाराज थे और दोनों एक साइलेंट मूड में हो गए. साइलेंट मूड में होने का मतलब ये है कि ना रैयत खेती कर रहा है ना ब्रिटिश कुछ बोल रहा है. ब्रिटिश एक तरह से समझिए प्लांटर्स को ही बोलते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा साइलेंट था और निश्चित तौर पर आगे कुछ इसका परिणाम जरूर आने वाला था. तो स्टार्टिंग दो पैरा मैंने पढ़ा दिया था और दो पैरा का मैंने नोट्स बना दिया है, आप नोट्स लिख लीजिए ऐसे ही. द ब्लू रेवोल्यूशन एंड आफ्टर. रेवोल्यूशन मींस हुआ मार्च 1859 बंगाल रैयत रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, यानी बंगाल के जो रैयत थे उन्होंने क्या किया, वो इंडिगो का ग्रो नहीं करेंगे. रिजल्ट आगे क्या आया, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स. प्लांटर्स को अब वो किसी प्रकार का रेंट भी नहीं देंगे. ये भी मैंने डिस्कस किया था तो वो भी आप नोट्स ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैंने नोट्स बनाया है. डैश अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद शॉट्स एंड स्पीयर्स बोज एंड एरोज. आपने जान लिया कि उन्होंने क्या किया, अपने तीर धनुष और जो भी आर्म्स बनाए थे उनको लेकर जितनी भी इंडिगो फैक्ट्रीज थी उन पर सब पर ये अटैक करने लगे और उन इंडिगो फैक्ट्रीज को ये ख़त्म करने लगे. दोज हु वर्क्स फॉर द प्लांटर्स वेयर सोशली बॉयकॉटेड. स्पेशली जो प्लांटर्स के लिए वर्क करते जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे उन प्लांटर्स को ये क्या करने लगे, बॉयकॉट करने लगे. बॉयकॉट करने का मतलब है उन्हें सोसाइटी से इग्नोर करने लगे. आप देखते ही हैं आज भी बॉयकॉट किया जाता है कि जैसे आपको इंडियन फ्रीडम में 1947 में स्वतंत्रता मिली उससे पहले जो लोग अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे उनको क्या किया जा रहा था, बाइकॉट कर दिया जा रहा था. क्लियर. तो वो बाइकॉट करने का मतलब है उन्हें सोसाइटी से अलग कर देना. ठीक है. तो वही नोट्स में आपके बताया गया है कि क्या किया, उनको बाइकॉट किए. एक वर्ड यहाँ आया था आपका गोमास्थास. ठीक है, इसमें एक वर्ड है गोमास्थास के बारे में, ये वर्ड है. एंड द गोमास्थास, ये गोमास्थास होता कौन है, एजेंट ऑफ प्लांटर्स. ये प्लांटर्स की क्या होते थे, एजेंट होते थे. हु केम टू कलेक्ट, जो कलेक्ट करते थे रेंट वेयर बीटन अप. वो क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे रैयतों से, यानी रैयतों को जो लैंड मिलता था रेंट पे उनसे ये अच्छा खासा पैसा कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. तो जब ये रेवेन्यू कलेक्ट करके करने के लिए आए तो आप जानते ही हैं रैयत सब इकट्ठे हो गए थे. तो उन्होंने क्या किया, उन लाथियास को, गोमास्थास को बीट कर दिया यानी पीट दिया. नॉट टू सो इंडिगो नॉर बी बिल्डेड बाई प्लांटर्स लाठियाल. जो लाठियाल थे, लाठियाल में सब सुनते ही हैं, पिछले टर्म पर मैंने बताया था जो लाठी वगैरह चलाते थे. तो इन्होंने मिलकर क्या किया, उन सारे गोमास्थास को लाठियास को पीट दिया जो इनसे अच्छा खासा रेंट लेने या किसी प्रकार का रेवेन्यू कलेक्ट करने आए थे. तो स्टार्टिंग के दो पैरा मैंने बता दिया था, आइए आगे पैराग्राफ कुछ देखते हैं. क्लियर. In 1859, द इंडिगो रैयत फेल्ट दैट. अब इंडियन जो रैयत थे उनको लगा कि भाई अकेले हमारे पास तो क्या है, केवल धनुष बाण है और यही समथिंग है, इससे हम निश्चित तौर पे ब्रिटिशर्स को फेस तो नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे आर्म्स होना चाहिए जिन आर्म्स का हम यूज़ करके ब्रिटिशर्स का सामना कर पाएँ या प्लांटर्स का सामना कर पाएँ, ऐसे आर्म्स हमारे पास होना चाहिए. क्लियर. तो क्या हुआ उन्होंने, वाई इन 1859 में द इंडिगो रैयत फेल्ट, उन्हें महसूस हुआ दैट दे हैड द सपोर्ट टू द लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन इन देयर रेवोल्यूशन अगेंस्ट द प्लांटर्स. कि हमें जो लोकल जमींदार हैं या विलेज जो हेडमैन हैं इनको हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा, इनका हमें हेल्प लेना पड़ेगा इन प्लांटर्स से किसी प्रकार का वार करने के लिए. क्यों, क्योंकि विलेज जो हेडमैन हुआ उन्हें थोड़ा नॉलेज है, जमींदार जो है उनके पास थोड़ा नॉलेज है, उनके पास प्लानिंग है. और जब प्लानिंग हमारे साथ आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा. दूसरी तरफ जमींदार और विलेज हेडमैन खुद ही परेशान थे. वो मैंने आपको बताया भी था कि जमींदार बेचारे कितने परेशान थे, क्योंकि जमींदार जो
रेवेन्यू कलेक्ट भी करते थे, उस रेवेन्यू को ब्रिटिशर्स किसी और फील्ड में इन्वेस्ट करा देते थे। तो जमींदार भी बेचारे परेशान है और विलेज हेडमैन भी परेशान है, क्योंकि विलेज हेडमैन इसलिए परेशान है क्योंकि वो जान रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अच्छा खासा लैंड पा रहे हैं और किसानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करके उनके सारे पैसे को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जान रहे हैं कि वो होता है ना, दुश्मन का जो दुश्मन का दुश्मन वो अपना दोस्त होता है, वही वाला फंडा इन्होंने अपनाया। क्योंकि जमींदार और कहीं ना कहीं ये विलेज हेडमैन, ये दोनों ब्रिटिशर्स से यानी प्लांटर्स से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, और ये अगर नाराज़ हैं तो उन्हें अगर ये अपने खेमे में मिला लें तो वो निश्चित तौर पे दोनों के लिए अच्छा होगा, जमींदार के लिए भी अच्छा होगा और साथ ही साथ रईस के लिए भी अच्छा होगा। इन मेनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे गाँव में क्या किया गया था, विलेज हेडमैन को फोर्सली साइन करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया था प्लांटर्स के द्वारा। मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट एंड फॉट पिच्ड बैटल विद द लाथियास। अगर बाय चांस विलेज हेडमैन ने उनकी कही हुई बातों को नहीं माना, उनकी बातों को नहीं सुना, तो वो लाथिया से क्या करते थे, उनको पीटते थे प्लांटर्स और उन्हें ज़बरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें वाद्य करते थे, फोर्स करते थे। वो कहते थे, वो जानते थे कि विलेज का जो हेडमैन है उसकी बात हर एक रैयत, हर एक फार्मर सुनेगा, इसलिए वो क्या करते थे, विलेज हेडमैन को ही अपने अंडर में लाते थे, उन्हें डराते थे, धमकाते थे और कहते थे आप जाइए उनसे कॉन्ट्रैक्ट कराइए, अगर कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कराते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। विलेज हेडमैन जाके फार्मर से मिलता था और फार्मर से बताता था भैया कि आप कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है, ये वो करके उसी तरह किसी तरह फार्मर से क्या करवाता था, एग्रीमेंट करवाता था, लेकिन ये बहुत ही मतलब मजबूरी में वो कराता था। जब ये बात रैयतों को पता चला तो रैयतों ने कहा ऐसा है, आप मेरा हेल्प कीजिए, अगर आप मेरा हेल्प करते हैं तो हम इन अंग्रेज़ों के खिलाफ, इन प्लांटर्स के खिलाफ एक तरह की आवाज़ उठाएंगे और उस आवाज़ को दबा पाना निश्चित तौर पर ये प्लांटर्स के लिए सही नहीं होगा। प्लांटर्स बार बार ये वर्ड आ रहा है तो एक तरह से समझिए ये ब्रिटिशर्स ही हैं, क्लियर। ये फॉरेन से आए हुए वो बिजनेसमैन हैं जो अच्छा खासा लैंड खरीद रहे हैं इंडिया में इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए, और उस लैंड पे अच्छा खासा वो इंडिगो प्रोडक्शन पे टैक्स देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वही है आपका क्लियर, वही प्लांटर्स है, ठीक। इंडिगो लाथियास इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रईस टू रेजिस्ट द प्लांटर्स। ऐसे अन्य एरिया में जहाँ विलेज हेडमैन नहीं है, वहाँ कौन है, जमींदार है, तो ये जमींदार को भी वैसे ही बाध्य करते थे भाई कि आप जाइए रैतों से एग्रीमेंट कराइए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा आपके लिए नहीं होगा। दी जमींदार्स वेयर अनहैप्पी, ये जमींदार बड़े दुखी थे बेचारे, विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स, जब प्लांटर्स के पावर बढ़ रहे थे, एंड एंग्री एट बींग फोर्स्ड बाई द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस। और ये बहुत मतलब गुस्सा थे कि आप लैंड को इतनी ज़्यादा समय के लिए लीज पे ले रहे हैं। दूसरी बात, प्लांटर्स का पावर दिनों दिन बढ़ रहा है और जमींदार का पावर दिनों दिन कहीं गिर रहा है। रईस ने वही बात कही, उन्होंने कहा जमींदार बताइए, कभी आप इतने पावरफुल थे, अच्छा खासा आप पैसा कलेक्ट करते थे, लेकिन अब आप तो आप ब्रिटिशर्स आपके पावर को कम करते, प्लांटर्स के पावर को बढ़ा रहे हैं, प्लांटर्स को पावर दे रहे हैं। रईयतों ने कहीं ये बात जमींदारों से कहना शुरू कर दिया और जमींदार इस बात को समझ गए। जमींदारों ने कहा रईयत बिल्कुल सही कह रहा है भाई, कभी हम इतने पावरफुल थे, बताओ हम और फार्मर्स रईयत यानी मिलकर काम करते थे, अच्छा खासा वो भी प्रॉफिट में रहते थे, हम लोग भी प्रॉफिट में रहते थे, लेकिन जब से ये प्लांटर्स का इंट्रोड्यूस हुआ लैंड में, तब से तो बड़ी दिक्कत हो रही है, रईयत भी बेचारे दुखी है, हम भी दुखी हैं। एक ज़मीन ये लीज पे ले लेते हैं एक ही रेट में और वो रेट लगभग 20 साल तक लीज रहता है, तो बड़ी दिक्कत हो गई। समय बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है, सबका सामानों का दाम बढ़ रहा है, लेकिन लीज तो आप उसी रेट पे लिए हुए 20 साल के लिए, ये तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत कर रहे हैं प्लांटर्स। दूसरी तरफ हमारा पावर भी ख़त्म हो रहा है, तो वो बातें जमींदार को पसंद नहीं आ रही और जमींदार कहीं ना कहीं अंदर दुखी है। इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं रईस और वो चाह रहे हैं ये जमींदार और हेडमैन हमसे मिल जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों हमसे मिल गए तो निश्चित तौर पे हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे इन प्लांटर्स के खिलाफ। तो कुछ पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए रीजन्स फॉर द रेवोल्यूशन। रीजन क्या, रीजन बना रेवोल्यूशन का, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए ऑप्रेसिव सिस्टम। ऑप्रेसिव सिस्टम ये है,
हालांकि मैंने इसमें शार्ट कट में लिखा है, मैं लिखाऊंगा ज़्यादा, अप्रेसिव सिस्टम में लिखे, बट वाट गेव देम द पावर टू रिबेल एट दिस पॉइंट। इन पॉइंट से हम समझेंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट है जिसने रेवोल्यूशनरी को वो पावर दिया कि वो एक प्रकार का रेवोल्यूशन करे। ठीक, द इंडिगो रेयस फेल्ट दैट दे हैड टू सपोर्ट टू द लोकल जमींदार एंड विलेज हेड मैन। इंडिगो रेयस को ऐसा लगा कि समय आ गया है हमें लोकल जमींदार और विलेज हेड मैन के हेल्प लेने का। पहला पॉइंट यही है, द इंडिगो रेयस फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट टू द लोकल जमींदार, लोकल जमींदार एंड विलेज हेड मैन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेजिनेटेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। उन रैयतों को ऐसा भी लगा, रैयतों ने सोचा कि हो सकता है ऐसा कि प्लांटर्स और ब्रिटिशर्स का जो मतलब सॉरी हमारे और जो प्लांटर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है या जो समझौता है, हो सकता है वो ब्रिटिशर्स को ना पता हो और ब्रिटिशर्स को ना बताकर ये प्लांटर्स हमारा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा हो, ज़्यादा शोषण कर रहा हो, तो क्यों ना हम ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स को बताएं, हो सकता है ब्रिटिशर्स ही हमारा हेल्प कर दें। भाई प्लांटर्स हमें, ब्रिटिश से तो एग्रीमेंट हो गया, ब्रिटिश ने कहा प्लांटर्स मुझे 50% टैक्स चाहिए, 50% टैक्स यानी 10 रुपया मुझे चाहिए। प्लांटर्स ने कहा ठीक है। पता चले प्लांटर्स यहाँ आया और फार्मर से कहा ऐसा है ब्रिटिशर्स ने 80% टैक्स मांगा है यानी 20 रुपया टैक्स मांगा है, तो उतना आप मुझे दीजिए। पता चला 10 रुपया ब्रिटिशर्स को प्लांटर्स ने दे दिया और 10 रुपया आपने जेब में रख लिया, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा रैयतों को लगा कि हो सकता है हमारे ऊपर प्लांटर्स इतना जुल्म कर रहे हैं, ये बातें ब्रिटिशर्स को ना पता हो, तो हम ऐसा करते हैं ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट हम बात करते हैं, मीडिएटर बीच में होने की ज़रूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स भाई ऐसा हो रहा है, आपको पता है कि नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा हेल्प करिए, अगर आपको पता है और आप ऐसा करवा रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, 1859 का ये समय है, आपको पता होना चाहिए 1857 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है आपके भारत में 1857 का, वही पहला आपका स्वतंत्रता संग्राम भी कहलाता है यानी पहला फ्रीडम फाइट भी कहलाता है जो 1857 में हुआ है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। मेरठ से स्टार्ट होने वाला ये रेवोल्यूशन कभी पूरे इंडिया में फैला है और अच्छी बात ये है कि इस रेवोल्यूशन में हर एक सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, हर एक वर्ग ने पार्टिसिपेट किया, राजा महाराजा की बात करूँ, रैयतों की बात करूँ, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या फॉरेन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये रेवोल्यूशन तो सक्सेस नहीं माना जाता है, लेकिन निश्चित तौर पे इस रेवोल्यूशन ने इतना तो इंडियंस को बता ही दिया कि अगर हम इंडियंस अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इन ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से मार कर भगा देंगे। ये बात कहीं ना कहीं रैयतों के दिमाग में घर कर गई थी कि अगर हम चाह लेंगे तो इन्हें ज़रूर इंडिया से भगा देंगे, और ये सोच कर ये रैयस अपने दिमाग में ये बात बैठाए हुए थे कि अगर ये सब हो रहा है ब्रिटिशर्स के अंडर में, ब्रिटिशर्स इन सब को बात को समझ रहा है, तो 1857 एक बार फिर होगा, अगर ब्रिटिशर्स इस बात को नहीं समझ रहा है तो ब्रिटिशर्स अगर हमारी सहायता करेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना ही है, ये रैयतों ने ठान करके रखा है। क्योंकि रैयत समझ रहे हैं कि इंडिगो का कल्टीवेशन करके उनकी हालत ख़राब है, वो वैसे भी मर रहे हैं, तो इससे बेहतर है अपने अधिकारों के लिए लड़कर मरो, हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ियां उसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। वही बात की जा रही है, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रेवोल्यूशन। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को क्या है, डर है, ब्रिटिशर्स को डर इस बात का है कि 1857 में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है, कहीं ऐसा ना हो रैयस फिर से कोई रेवोल्यूशन कर दे, तो ये बात कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के भी दिमाग में है।
क्लियर। ऊपर से रैयतों ने कह दिया कि हम इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, तो इंडिगो का अगर वो कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो अगर ज़बरदस्ती आप कल्टीवेशन कराते हैं तो ये रैयत नाराज़ होंगे और एक रेवोल्यूशन करेंगे। अभी 1857 का रेवोल्यूशन किसी तरह ख़त्म हुआ और उसी समय अगर एक और नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं रहेगा। ये बात कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के माइंड में घूम रही है। क्लियर। व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ ए सिमरिंग रिवोल्ट एट इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जब ये न्यूज पूरे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में फैला, यानी ब्रिटिशर्स को जब ये बात पता चली कि ऐसा कुछ हो रहा है इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं परेशान हुए। द लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तुरंत ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने एक अधिकारी गवर्नर मिस्टर लेफ्टिनेंट को तुरंत भेजा है इंडिया में विंटर 1859 में कि जाइए देखिए भाई क्या परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप जाके पता करिए, अगर मसला शांत करने वाला हो तो शांत कराइए, क्योंकि अभी तो 1857 का रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ है, अगर फिर इस प्रकार का रेवोल्यूशन होगा तो वो अच्छा हमारे लिए नहीं होगा। द रैयत सा द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। वो जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में आया तो इंडिया में वो घूमा है हर एक इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में, उसे ऐसा लगा निश्चित तौर पे रैयतों के लिए ये बहुत निगेटिव पॉइंट है, जिस प्रकार प्लांटर्स उनके साथ मनमाना काम करा रहे हैं, मनमाना उनसे चाहे जितने क्षेत्रों पे खेती करा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उन रैयतों के लिए अच्छा नहीं है, ये रैयतों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। तो इन लेफ्टिनेंट का रैयतों से ये सिंपैथी था कि घबराइए मत, हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। When the बरसात the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that the रैयत would not be compelled to accept indigo contract। एक और अंग्रेज गवर्नर है, याद रखिएगा, नाम है एस्ले एडन। इन्होंने एक नोटिस तैयार किया था, नोटिस तैयार किया अच्छा खासा, मतलब आया, पढ़ा उढ़ा, देखा क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने एक नोटिस तैयार किया। उस नोटिस में उन्होंने लिखा ऐसा है, प्लांटर्स यहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि हम खुद फार्मर्स पे कहीं ना कहीं प्लांटर्स पे कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाएं, उन्हें कंट्रोल करें, नहीं तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा यहाँ रेवोल्यूशन क्रिएट होने वाला है। रही बात प्लांटर्स, रही बात रैयतों के रेवोल्यूशन की, तो रैयत अगर रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके ऊपर जिस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म बहुत ही खतरनाक है, उन्हें इतना मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। Went around the Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. जब ये बात तो महारानी के पास पहुँचा, यानी ब्रिटेन के पास इन्होंने अपना इशू दिया, तो महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, जितना भी इंडिगो का हो रहा था खेती वगैरह उन सब पे विक्टोरिया ने रोक लगा दी, नीड नॉट बी सोन। Eden was trying to placate the peasant and control an explosive situation, but his action was read as support for the revelation. Clear? निश्चित तौर पे रोक तो जरूर लगाई महारानी, लेकिन वो ज़्यादा समय तक लगाई नहीं, क्योंकि वो भी जानती थी इंडिगो से अच्छा खासा उनको फ़ायदा है, तो महारानी ने रोक जरूर लगाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने प्लांटर्स का सपोर्ट कर दिया और उन्होंने धीरे धीरे प्लांटर्स से अंदर ही अंदर कहा ऐसा है, तुम खेती कराओ और हमारा सपोर्ट तुमको है, हम देखते हैं ये रैयत करते क्या है। मतलब सामने आपने कुछ और कहा और पीठ पीछे कुछ और कहा, यानी आप एक तरफ दिखा रहे हो कि रैयत हम तुम्हारे साथ हैं और दूसरी तरफ प्लांटर्स को बोल रहे हो प्लांटर्स तो घबराओ मत हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये ब्रिटिशर्स का दो तरफा खेल हो रहा है। क्लियर। हालांकि ये बात कहा जाता है एडन ने जरूर कही रिवलेशन करने वालों से कि भैया मैं तो लिख दे रहा हूँ आपके सपोर्ट में, लेकिन क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है, यानी उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली बता दिया था कि महारानी शायद ही आपकी बात को माने। रैयत जब ये पता चला रैयतों को कि ब्रिटिशर्स उनके दो तरफा खेल खेल रहे हैं, तो रैयत बड़े एंग्री हुए। एज द रेवलेशन स्प्रेड अप, क्या हुआ, वो रेवलेशन स्प्रेड हो गया। इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, हर एक कलकत्ता का जितना भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट था उसमें सारे रैयत इकट्ठे हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत बड़ा चीट किया था और इस चीट का परिणाम ये रहा कि बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में रैयत कलेक्ट हो गए, क्योंकि अब उन्हें चाहिए अपना अधिकार। क्लियर।
तो वही है, दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रईस द टर्न आर्मी ऑफ प्लांटर्स एंड द हारोवर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। अब उन्होंने आवाज़ उठा लिया प्लांटर्स के खिलाफ, उन्होंने आवाज़ उठाया इंडिगो कल्टिवेशन के खिलाफ। अब वो शांत वाले होने वाले नहीं हैं, वो तब तक शांत नहीं होंगे जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल जाएगा, ये सोच कर रईस आगे बढ़ चले हैं। रईस वैसे भी मान रहे हैं कि भाई जो होगा सो होगा ही होगा, वैसे भी हम लोग मर रहे हैं, अगर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं तो भी हम उसका परिणाम जवाब देंगे। लिख लो रीजन में, द इंडिगो रईस फेल्ट दे हैड, ये लिख लिया पहला, द इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेजिनेटेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम, इमेजिन किए थे लेकिन वो सही नहीं हुआ, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मजिस्ट्रेट एसले एडन नोटिस। ठीक है, उन्होंने रॉन्ग डिसीजन, नोटिस जो बनाया वो तो सही बनाया लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी बात को माना नहीं। हालांकि बाकी नोट्स अपने पे बनाइएगा, मैं नई नोट्स बनाया हूँ। क्लियर, Worried by the revelation, the government brought in the military to protect the planter from assault. अब क्या हुआ, प्लांटर्स के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई उठाई रईयतों ने, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, प्लांटर्स को बचाना भी है इतने बड़े रेवोल्यूशन में, तो उन्होंने क्या अपनी मिलिट्री को भेजा है इंडिया में कि जाइए आपका एक ही काम है किसी ना किसी रूप में प्लांटर्स को बचाइए, क्योंकि प्लांटर्स को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटर्स अगर बच गए तो आगे फिर इंडिगो का हम लोग खेती करा सकते हैं, ये सोचकर ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी भेजी है कि जाइए वहाँ प्लांटर्स को किसी तरह बचाइए इतने बड़े एसॉर्ट से। एंड द सेटअप ऑफ इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इन टू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, और तुरंत उन्होंने इंडिगो कल्टिवेशन को लेकर एक कमेटी बनाई। कमीशन जाएगा और ये पता करेगा कि भाई लाओ एक बार फिर से सर्च करते हैं, क्या इंडिगो वास्तव में नुकसान पहुंचा रहा है रईयत को कि नहीं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, इस रेवोल्यूशन में ब्रिटिश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, और ब्रिटिशर्स कोई और रेवोल्यूशन चाहते नहीं थे कि कोई और रेवोल्यूशन हो और उस रेवोल्यूशन से हमें फिर नुकसान उठाना पड़े। कि मैंने कभी आपको लेक्चर में बताया भी था कि जो वार होता है ये कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वो जीतने वाला हो या हारने वाला हो। हारने वाला तो अपना सब कुछ खो ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ जीतने वाला भी अपना बहुत कुछ खो देता है। इसलिए वार कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ब्रिटिशर्स के मन में कहीं ना कहीं 1857 का तो डर था ही था कि 1857 में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, उन्हें बहुत लॉस उठाना पड़ा, तो ये बात ब्रिटिशर्स के मन में कहीं न कहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक इंडिगो कमीशन बनाया। इंडिगो कमीशन से कहा, जाइए भाई आप देखिए क्या वास्तव में फार्मर्स को यानी रईयत को किसी बात का दुख है, अगर है तो फिर हम कुछ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसने अपनी आर्मी भी भेजी थी, आर्मी रईयस को मारने के लिए या रईयत के रेवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए नहीं भेजी थी, बस उसकी वो आर्मी भेजी थी कि जो प्लांटर्स हैं, जो उन्हीं के सपोर्टर हैं, उन प्लांटर्स को किसी ना किसी तरह बचाया जाए, क्योंकि प्लांटर्स रहेंगे तभी उनको फ़ायदा होगा, ब्रिटिशर्स को भी। तो कहीं ना कहीं वो प्लांटर्स को बचाने के लिए आर्मी भेजी थी यहाँ पे। क्लियर, तो फिलहाल इंडिगो कमीशन आया है इंडिया में और क्या किया, इंडिगो के प्रोडक्शन को वो सर्च करने लगा कि क्या हो रहा है, क्यों नाराज़ है और क्यों नाराज़ नहीं है। क्लियर, द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरसिव मेथड दैट दे यूज द इंडिगो कल्टीवेटर्स। ये कमीशन जब सर्च किया, अच्छा खासा देखा, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पे, वही जो एडन ने स्टार्टिंग में कहा था कि निश्चित तौर पे ये प्लांटर्स बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं रईयतों पे, इतनी इंडिगो की खेती करा रहे हैं और इस खेती से क्या हो रहा है, उनका पूरा ज़मीन ख़राब हो जा रहा है, तो यहाँ मैं रईस की गलती नहीं दूंगा, यहाँ गलती केवल और केवल प्लांटर्स की है, क्योंकि प्लांटर्स मन चाहा काम ले रहे हैं और मन चाहा काम करने के साथ साथ वो रईस को बहुत परेशान कर रहे हैं। बेवजह का एग्रीमेंट में अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना, और इन सब चीज़ों का परिणाम आना ही था, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होना ही था, और जो रईस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इट डिक्लेयर द इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, पर निश्चित तौर पर यह इंडिगो का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये रईयतों के लिए प्रॉफिटेबल है ही नहीं भाई, उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये प्रॉफिटेबल है केवल और केवल प्लांटर्स के लिए, और प्लांटर्स उसमें से कुछ प्रॉफिट दे रहा है ब्रिटिशर्स को, यानी खेती कर रहा है रईयत, मेहनत कर रहा है रईयत, सब कुछ कर रहे हैं रईयत, लेकिन उन्हीं को फ़ायदा ना होकर केवल प्लांटर्स और ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा है, तो ये इतनी बात कोई नहीं मानेगा और निश्चित तौर पर रेवोल्यूशन होना ही होना है।
The commission asked the Reyes to fulfill their existing contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. इस कमीशन ने कहा ऐसा है रैयत, आप दुखी मत होइए, आप रेवोल्यूशन मत करिए, मैं वादा करता हूँ आपके सारे अधिकार आपको दिया जाएगा और फ्यूचर में आपको इंडिगो की खेती के लिए वाद्य भी नहीं किया जाएगा। आप अपने रेवोल्यूशन को शांत करिए, अगर आपको विश्वास नहीं तो देखिए मैं तुरंत महारानी से बात कर रहा हूँ और महारानी आपकी सारी रियायतें देंगी। कहा जाता है ये कमीशन की रिपोर्ट पहुँची महारानी के पास और महारानी ने बंगाल में इंडिगो के प्रोडक्शन पे क्या किया, रोक लगा दिया। क्लियर, यानी रेवोल्यूशन स्टार्ट तो ज़रूर हुआ और इस रेवोल्यूशन के सामने ब्रिटिश महारानी को झुकना ही पड़ा। बंगाल में इंडिगो के प्रोडक्शन पे उन्हें रोक लगा देनी पड़ी, प्लांटर्स को फिर से वापस बुला लेना पड़ा और जो लैंड रैयतों के पास था वो लैंड उन्हें वापस कर दिया गया। वो जिस प्रकार की खेती करना चाहें वो कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हें फ्री कर दिया गया। और 1859 का यही रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल सक्सेस हुआ, यानी रैयस को वो सारे अधिकार मिले जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था। आई वुड रेडर बैक देन सो इंडिगो। देखिए हर जी मुल्ला एंड इंडिगो कल्टीवेटर, आप चंदापुर के ये इंडिगो एक कल्टीवेटर थे थाना हार्डी के, वाज इंटरव्यूड एट द मेंबर ऑफ द इंडिगो कमीशन ऑन ट्यूजडे। इन्हें इंडिगो कमीशन का मेंबर बनाया गया था 5 जून 1860। दिस इज व्हाट ही सेड द आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन, कुछ आंसर्स उनसे पूछे गए थे जिसका कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे गए सॉरी जिनका आंसर उन्होंने दिया है। देखते हैं क्या पूछा गया है उनसे क्वेश्चन। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो है मिस्टर डब्ल्यू एस सेटन कौर, नाम याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है कि जो इंडिगो कमीशन बनाया गया था उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा सेटन कौर। पूछा गया था कौन सा इंडिगो कल्टीवेटर है जो इस कमीशन का हेड था, तो याद रखिएगा हरजी मुल्ला जी। पूछा गया आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ नॉट ऑन वन फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट। ये पूछा गया, उन्होंने कहा आई एम नॉट विलिंग टू सो, मैं इन्हें बोना नहीं चाहता, आई एंड डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी, और आपका कोई नया भरोसा हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर सेल ने कहा वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट ए रुपी इन बंडल, नो आई वुड नॉट, मैं पैसे से भी इसे नहीं बोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके बोने से क्या हो जाएगा, हमारा पूरा लैंड ही खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो ये बातें हुई हैं चेयरमैन के और उसके मेंबर के बीच में और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार ये इंडिगो उनके लिए नुकसानदेह है। क्लियर, तो हालांकि बंगाल में ये रेवोल्यूशन जरूर हुआ, रेवोल्यूशन सफल भी हो गया। फिलहाल आगे देखते हैं आफ्टर द रिवोल्ट, इस क्या हुआ, यहाँ रिवोल्ट खत्म हो गया बंगाल में, रिवोल्ट सक्सेस भी होगा। इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बंगाल में पूरा इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, लेकिन ये प्लांटर्स चुप रहने वाले नहीं थे, बंगाल में वो हार गए कोई बात नहीं, ये प्लांटर्स मूव कर लिए हैं अब बंगाल से किस तरफ, बिहार की तरफ, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा एरिया, दूसरा नहीं तो तीसरा एरिया, मुझे चाहिए फर्टाइल लैंड और मुझे फर्टाइल लैंड मिल गया तो हम कहीं ना कहीं इंडिगो का प्रोडक्शन जरूर करा लेंगे चाहे वो चाहे जहां। तो बंगाल से उन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया अपने इंडिगो प्रोडक्शन को और उस शिफ्ट किया कहां, बिहार में। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th century देयर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड बट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। 19th century में अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुँचे हैं बिहार में और बिहार में इन्होंने किसानों को मजबूर करना शुरू कर दिया, सेम वही निज और रैयती कल्टिवेशन के जरिए उन्हें मजबूर करना शुरू किया कि भैया आप अपने जितनी भी ज़मीन है उसके एक पार्ट में इंडिगो का प्रोडक्शन कराइए, आपको भी फ़ायदा हमें भी फ़ायदा। उसी तरह का बहाना यहाँ भी मारने लगे अब किसान, भाई बंगाल के किसान तो रिवोल्ट किए थे ये बात बिहार वाले जानते थे, लेकिन किसान तो सोच रहा है उसमें मेरा फ़ायदा होगा, और वो बंगाल से बंगाल की बातों को समझ नहीं पाया और उसने क्या किया, वही काम करना यहाँ शुरू कर दिया, यानी इन प्लांटर्स को अपना लैंड देने लगे रेंट पे और उसी प्रकार का काम करने लगे जैसे स्टार्टिंग में बंगाल के फार्मर्स करते थे। क्लियर, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले लिख लो, पॉइंट में लिखिए आगे बढ़ाइएगा, लिखो विंटर 1859 द रेवोल्यूशन स्प्रेड ऑल ओवर बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट,
British government formed a Indigo Commission. British government formed a Indigo Commission whose chairman is Mr. W.S. Seton Kerr. Next point. An Indian indigo cultivator, Mr. Hadji Mulla is also a member of Indigo Commission. Next point. Indigo Commission declared that Indigo production was not profitable for Reyes. Last point. At last, British government refused to produce indigo in Bengal. Next heading दे दीजिएगा, After revolt. पहला पॉइंट, द प्लांटर्स शिफ्टेड इंडिगो कल्टीवेशन फ्रॉम बंगाल टू बिहार इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में. But in 1917 महात्मा गांधी started सत्याग्रह in Bihar against indigo cultivation. लिखिएगा, सॉरी, प्रोडक्शन नहीं, cultivation. समझ लेते हैं पॉइंट, फिर देख लेते हैं. बिहार विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई हो गया, बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. ठीक है, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए, कब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, 1915 में. ए पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएटेड हिम विजिट चंपारण एंड सी. एक किसान आया महात्मा गांधी से मिलने गुजरात में और महात्मा गांधी से कहा, एक बार आप चलिए चंपारण, टहल लीजिए और देखिए चंपारण में किसान कितना ज़्यादा परेशान है. ठीक है, महात्मा गांधी विजिट इन 1970, महात्मा गांधी 1970 में बिहार में विजिट किए थे. मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. उन्होंने वहाँ क्या किया, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिया था. उसी को लोग कहते हैं चंपारण रेवोल्यूशन, कुछ लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह. आपको पता होना चाहिए ये महात्मा गांधी का इंडिया में किया गया पहला सत्याग्रह है, पहला मूवमेंट है, और ये मूवमेंट सफल रहा है क्योंकि बिहार में जो इंडिगो का प्रोडक्शन था वो बिहार में भी क्या किया गया है, बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है. क्लियर, बिहार में क्या रूल था, हर एक किसान, तुम्हारे पास किसान कितनी ज़मीन है, उसने बोला इतनी ज़मीन है. अंग्रेज़ों ने कहा, प्लांटर्स ने कहा, कट्ठे में बताओ कितनी ज़मीन है, उसने कहा इतनी ज़मीन है. उसने कहा ऐसा है, हम इसे 20 कट्ठा मानते हैं और 20 कट्ठे में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होगी, यानी इंडिगो का कल्टीवेशन करना होगा. इसी को कहते हैं 3 कठिया मेथड. कौन से, क्या बोलते हैं,
तीन कठिया मेथड, यानी पूरे कट्ठे पे आपको तीन कट्ठा क्या करना होगा, नील क्या प्रोडक्शन करना होगा। तो बिहार में यही था। तो चलो स्टार्टिंग में करते थे, तो जमीन बैरन हो गया, फिर दूसरे पे किए बैरन हो गया। एक समय ऐसा आएगा कि किसान के पास, रैयत के पास क्या होगा, जमीन ही नहीं बचेगा। तो वही रामचंद्र राजकुमार शुक्ल जी आए थे महात्मा गांधी से मिलने, और उन्होंने सारी परेशानी महात्मा गांधी को बता दी। क्लियर? तो महात्मा गांधी गए थे, उन्होंने वहाँ परेशानी जाना भी। उन महात्मा गांधी ने कहा निश्चित तौर पे यहाँ किसानों के पास भाई रैयत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ रहा है। हम महात्मा गांधी वहाँ रेवोल्यूशन कर दिए थे। उन्होंने कहा ऐसा है फार्मर्स, तुम घबराओ मत, हम नॉन वायलेंस के जरिए ही अपने इस मूवमेंट को सफल कर देंगे। गांधी ने कहा तुम टेंशन मत लो रैयस, तुम घबराओ मत, बिहार का जो गवर्नर है ना, प्लांटर्स है, इन प्लांटर्स का पापा गवर्नर है, गवर्नर का पापा भारत का वायसराय है, उस वायसराय का पापा ब्रिटिश महारानी है। तुम खेती ही मत करो, जब खेती नहीं करोगे तो ये टैक्स इसके पास नहीं जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा तो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, गवर्नर के पास नहीं जाएगा तो वायसराय के पास नहीं जाएगा, वायसराय के पास नहीं जाएगा तो महारानी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, बस तुम मेरा साथ देना, अपने रेवोल्यूशन से पीछे मत हटेना, तुमको जो रियायत मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, मैं इंडिगो के प्रोडक्शन को बंद करा दूंगा बिहार में। किसान ने क्या किया, अपना सारा बैल वैल जो होता है प्लाऊ वगैरह उन सबको नीचे रख दिया। प्लांटर्स आया, बोला किसान तुम खेती नहीं कर रहे हो जाके? उसने कहा नहीं करूंगा खेती सर, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, खेती नहीं करूंगा। प्लांटर्स ने कहा अगर तुम खेती नहीं करोगे तो मैं गोली चलवा दूंगा। किसानों ने कहा मार दो गोली, मैं खेती नहीं करूंगा, चाहे गोली मारोगे या कुछ भी, ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार सकते हो तो मार दो गोली, मैं खेती नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं मरने जीने को तैयार हूं, लेकिन मैं अब इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं करूंगा, वैसे भी तो मैं मर ही रहा हूं। समय बीत गया, ऊपर का वायसराय कह रहा है अरे बिहार के गवर्नर भाई टैक्स नहीं मिल रहा है, बिहार का गवर्नर कह रहा है अरे प्लांटर्स भाई टैक्स नहीं मिल रहा है। प्लांटर्स ने कहा सर टैक्स कहाँ से दूँ, किसान खेती ही नहीं कर रहा है। गवर्नर ने कहा जाके बंदूक दिखाओ उनको। प्लांटर्स ने कहा अरे बंदूक, अरे मैं बम दिखा रहा हूँ, वो बम से भी नहीं डर रहे हैं, बोल रहे हैं चलो मार दो लेकिन मैं खेती नहीं करूँगा। इन्होंने कहा इसको भड़काने वाला कौन है? तो प्लांटर्स ने कहा कोई महात्मा गांधी है, वही इन लोग को भड़का रहा। तो उसने कहा उठा के महात्मा गांधी को जेल में डाल दो। महात्मा गांधी जेल में चल गया, उसके बाद सबको लाठीचार्ज कर दो। हो गया इसका उल्टा हुआ, वो प्लांटर्स आया महात्मा गांधी को जेल में डाला ही था कि ये बात पूरे बिहार में फैल गई। बिहार के रईस ने कहा बताओ महात्मा गांधी गुजरात का एक इंसान हमारे हेल्प करने के लिए बिहार में आया है, और हम शांत मार के अपने कमरे में बैठे हुए हैं, पता चला असर उल्टा ही पड़ा और पूरे बिहार के किसान एकजुट हो गए कि जाओ हम खेती नहीं करेंगे। जो छोटा सा एक मूवमेंट चंपारण का था वो मूवमेंट अब पूरे बिहार का मूवमेंट बन गया। कहा जाता है पूरे बिहार में खेती करनी बंद हो गई, अब तो और हालत ख़राब गवर्नर जी का, अब तो और टैक्स नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसा है इस महात्मा गांधी को रिहा कर दो, नहीं तो मुझे डर लग रहा है कहीं ये बिहार का रेवोल्यूशन पूरे भारत का रेवोल्यूशन ना बन जाए और इंडिगो के कल्टीवेशन को बंद करा दो बिहार में। महात्मा गांधी रिहा हो गए और ये उनका चंपारण सत्याग्रह बाबू स्वतंत्र रूप से पहला सफल सत्याग्रह रहा है, यानी बिहार से भी इंडिगो का प्रोडक्शन क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इसी को आप कहते हैं चंपारण मूवमेंट, इसी को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो आपका तो चैप्टर हो गया है फिनिश, यानी चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड फिनिश हो गया। अब आपने बीच में 1857 रेवोल्यूशन पढ़ा था तो घबराइए मत, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा, वहाँ मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि 1857 का रेवोल्यूशन क्या रहा है, किस प्रकार रेवोल्यूशन हुआ है, ये सब डिस्कस करूँगा मैं नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, उसमें मैं 1857 आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी कि 1857 आपने यहाँ थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन वहाँ तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये थोड़ा देख लेते हैं वेस्ट इंडीज का। इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज इन द अर्ली 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ए फ्रेंच मिशनरी जीन बैपेस्ट लेबर्ट ट्रेवल्ड इन द कैरिबियन आइसलैंड। एक फ्रांस का मिशनरी है मिस्टर लेबेट, इन्होंने ट्रेवल किया कहाँ का, कैरिबियन आइसलैंड का, एंड रोट एक्सटेंडली अबाउट द रीजन पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज बुक, और बुक में उन्होंने अपनी एक बातें लिखी। दिस इमेज शोज ऑल द स्टेजेस ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन द फ्रेंच स्लेव प्लांटेशन ऑफ द रीजन, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वहाँ इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, उसको उन्होंने स्लेव के रूप में दिखाया कि मतलब देखिए यही है
किस तरह गुलाम है बेचारे इंडिगो का प्रोडक्शन कर रहे हैं, काट पीट रहे हैं। यू कैन सी द स्लेव वर्क्स ऑफ पुटिंग द इंडिगो प्लांट इन टू सेटर वेट एंड द लेफ्ट एंड द वर्कर इज चर्निंग द लिक्विड विथ ए मैकेनिकल चैम्बर इन अ वेट सेकेंड फॉर्म राइट। देखिए कैसे एक काट के ला रहा है, दूसरा क्या कर रहा है उसको फिर नील बना रहा है, लिक्विड फॉर्म में ले आ रहा है उसको फैला, एक काट के लाया एक सुखाया, सुखाने के बाद उसे लिक्विड फॉर्म में बनाया, फिर ढो के हर एक जगह पहुंचा रहा है जहां जाना चाहिए। टू वर्क्स आर कैरिंग इंडिगो फल फांगा बैग्स अंदर डील। देखो कैसे दो लोग उसको टांग के बैग के रूप में ले जा रहे हैं। इन द फॉरगॉट टू अदर्स आर मिक्सिंग द इंडिगो पल्प एंड पुट इन टू द माउथ द प्लांटर एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्रैड सुपरवाइजिंग द स्लेव वर्कर्स। यहाँ स्लेव को दिखाया गया किस प्रकार वर्क कर रहा है पूरे इंडिगो के प्रोडक्शन में। तो ये बात वेस्ट इंडीज की है, इंडिया की नहीं है। इंडिगो में भी हालांकि ऐसा ही रहा है, पीछे एक पिक्चर में आपने देखा है फिलहाल, यानी बंगाल में किया आपने इंडिगो का प्रोडक्शन, तो शुरू में तो जरूर कुछ अच्छा रहा लेकिन बाद में वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ और ख़त्म कर दिया गया। सेम वही आपने बिहार में लेकर आए, बिहार में भी आपने वही कार्य करने का शुरू किया लेकिन महात्मा गांधी ने इसे वहाँ ख़त्म कर दिया है। क्लियर। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड फिनिश, यानी ये आपका ब्लू रेवोल्यूशन जो हुआ वो आप समझ गए हैं, चंपारण भी आप समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका लेस्ट चैप्टर ट्राइबल्स डिकूज एंड वर्जन ऑफ गोल्डन एज पढ़ाऊँगा, डिकूज वगैरह के बारे में, ठीक है। उससे पहले ये अपना बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। देखिए रैयत कौन है, पीजेंट है, महाल कौन है, विलेज का हेडमैन है, नीच क्या है, रहती क्या है, ये अपने मन से भी आप करिएगा, बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स हालांकि मैंने करा दिया है लेकिन आप अपने मन से करिएगा। ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सा क्या होगा, इंडिगो। क्लियर। द डिमांड ऑफ इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द यूरोप सिंथेटिक डाइज या इंडिगो पॉटरीज। ये सब आप फिल इन द ब्लैंक्स अपने मन से कर लीजिएगा, मैं दिखाऊंगा नहीं क्या मैंने फिलअप किया, वो आपको अपने मन से करना है। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आज आपका अपलोड कर दूंगा, उस क्वेश्चन आंसर को आप सीधे अपने फेयर कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है। यानी ये अभी तक जो पढ़ा रहा था, जो नोट बनवा रहा था, इसको आपको रफली लिखना है, रफ पे लिखना था, और क्वेश्चन आंसर जो मैं पढ़ाऊंगा यानी आज मैं जो नोट्स आपके पास क्वेश्चन आंसर का भेजूंगा उसे आप फेयर पे करिएगा। क्लियर। तो आपने रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ा, इसमें कंपनी बिकम्स दीवान ये पॉइंट पढ़ा, रेवेन्यू फॉर द कंपनी किस प्रकार हुआ, इम्प्रूव एग्रीकल्चर हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या आया, न्यू सिस्टम, मुनरो सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब कुछ पढ़ा। इंडिगो किस तरह डिमांड में आया, इंडिगो का क्या हाल रहा, बंगाल किस प्रकार किया, बंगाल में क्या हुआ, निज और रैयती कल्टीवेशन आपने देखा, साथ ही साथ ब्लू रेवोल्यूशन आपने देखा क्या हुआ, ब्लू रेवोल्यूशन के बाद बंगाल में, बंगाल के बाद आपने बिहार में रेवोल्यूशन देखा, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह देखा, वेस्ट इंडीज़ के एक पिक्चर में इंडिगो के कार्य को देखा, ये सब वर्क है जो हुआ था आपके वेस्ट इंडीज में। क्लियर। यानी ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा के वो क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास सेंड कर दे रहा हूँ, 3 to 5, 5, 5 to 7 क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करा के आपके पास सेंड कर दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिए, लिख लीजिए पूरा जैसे मैं लिखाऊंगा और उसको आप फेयर पे लिखिएगा। क्लियर। बाकी जो मैं डायरी में आपको नोट्स दिखाता हूँ इसको आपको इसको आपको रफली लिखना है, उसको रफ पे लिखना है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको आप फेयर पे लिखिएगा, जो आज या कल में मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके एडवाइजरी जो है वो आपके पास सेंड कर देंगे, आप उसको फेयर पे सीधे उतार लीजिएगा। क्लियर। तो आपका चैप्टर यानी हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर फिनिश हो गया, आपके हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर ही मैं नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाऊंगा, आपके ज्योग्राफी का भी डिटेल करूंगा, यही पढ़ाऊंगा, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करूंगा। यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा, ट्राइबल्स के बारे में जानते हैं, डिकूज के बारे में जानते हैं, उनका गोल्डन एरा जानते हैं, यहाँ मैं कुछ लोगों से भी परिचित कराऊंगा, बिरसा मुंडा जैसे लोगों से कि उनका कितना योगदान है आपके ट्राइबल्स को अधिकार दिलाने में। क्लियर। तो अभी तो पीजेंट बेचारे परेशान थे ब्रिटिशर्स से, अब ट्राइबल्स और डिकूज भी परेशान होंगे, तो वो क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग आपके चैप्टर नंबर 4 में। ट्राइबल्स पीजेंट रेवोल्यूशन किए हैं, ट्राइबल्स किए हैं, डिकूज किए हैं, और उसके बाद आपका मेन इंडिया करेगा 1857 जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। ओके, थैंक यू।